So guys, कैसे आप सभी लोग स्वागत है और ब्रांड न्यू वीडियो में। तो भाई इस वीडियो में मैं आपको कार फॉर सेल के टॉप 5 टिप्स एंड ट्रिक बताने वाला हूँ, जिसे जानने के बाद तुम अनलिमिटेड रियर कार को ले सकते हो। और लास्ट में मैं आपको एक बोनस टिप्स देने वाला हूँ, जिससे तुम अपने शोरूम पे अनलिमिटेड कार को टो करवा सकते हो। आपको पता होगा कि हमारे पास केवल 3 स्लॉट ही रहते टो करने का, लेकिन अगर इसे आप जान लेते हो तो आप अपने शोरूम पे अनलिमिटेड कार को टो करवा सकते हो। एक ही बार में जितना टो करना चाहते हो वो कर सकते हो, आपका स्लॉट कभी भी फुल नहीं होगा। तो आज स्टार्ट करते हैं, लेट्स गो। नंबर 1, अगर तुम अपने एक्सपी को इंक्रीज करना चाहते हो तो उसके लिए तुम अपने शोरूम पे लाके कोई सा भी मतलब सस्ती वस्ती गाड़ी खड़ी कर दो। जैसे कि यहाँ पर देख सकते हो मेरे पास बहुत सारे गाड़ी हैं और मुझे ज्यादा टाइम नहीं लग रहा भाई, बस मैं वॉशिंगटन घुमा रहा हूँ और मुझे यहाँ पर बहुत सारे एक्सपी मिलते जा रहे हैं। तो ये सबसे बेस्ट तरीका है एक्सपी बढ़ाने का। काफी लोग भाई इसको मिस कर देते हैं, मतलब उनको पता ही नहीं होता है या फिर वो सोचते हैं भाई बहुत ज्यादा टाइम लग जाएगा। तो भाई ज्यादा टाइम नहीं लगता है इसको इस तरह से एक्सपी लेने में, बस तुम्हें अपने एम्प्लॉय को हायर करके रखना है। तुम्हारा जो एम्प्लॉय है ना भाई, वो गाड़ी ऑलरेडी साफ करके रखता है, बस तुम्हें क्या करना है भाई एक्सपी लेना है। तो अपने वॉशिंग गन उठाओ और कुछ इस तरह से घुमाते रहो, ज्यादा टाइम नहीं लगेगा भाई, देख रहो कितना टाइम लग रहा है। इस तरह से तुम्हें एक गाड़ी अगर साफ करोगे ना भाई तो तुम्हें 10 एक्सपी मिलेगा। तो तुम 10 गाड़ी साफ कर देते हो तो तुम्हें भाई 100 एक्सपी मिल जाएंगे आराम से। देखो एग्जैक्ट मैं नहीं कह रहा हूँ, लेकिन ऑलमोस्ट तुम्हें 10 एक्सपी मिल जाते हैं एक गाड़ी साफ करने में। और सुबह उठने के बाद ये काम करना है, अगर तुम लेट करोगे तो तुम्हारा एम्प्लॉय ऑलरेडी सभी गाड़ी को साफ कर देगा, तो इसको याद रखना। नंबर 2, अगर आप रियर कार लेना चाहते हो तो उसके लिए सबसे पहले सुबह उठने के बाद आपको जाना होगा ड्रैग रेस वाली प्लेस पे। अगर आप ड्रैग रेस वाली प्लेस पे नहीं जाते हो और कार मार्केट चले जाते हो या फिर अपने ऑफिस पे चले जाते हो, तो ऐसा होता है यार वहाँ पर भूल जाते हो, कोई और अलग काम करने लगते हो तो वहाँ पर भूल जाते हो, तो आप ड्रैग रेस मिस कर देते हो। लेकिन आपको ऐसा करना है, आपको इस तरफ से जाना है और इस तरह से आप अपना ड्रैग रेस पे इस तरफ से अगर जाओगे तो भाई ड्रैग रेस पे कौन सी गाड़ी आई है वो भी देख लोगे, और अगर कोई रियर कार आई है तो वहाँ पर उसको ले सकते हो। जैसे कि यहाँ पर मैं आया और ये देखो यहाँ पर आई है एक निसान GTR, तो मैं यहाँ से इसको इजिली बैटिस कार करके ले सकता हूँ। और अगर तुम बैटिस कार करते हो, अपनी कार हार जाते हो बार बार, तो मैं बताता हूँ क्या करनी है। तो उसके लिए तुम्हें यहाँ पर बैटिस कार करना है, जैसे रेस स्टार्ट हो सबसे पहले ही तुम्हें अपनी गाड़ी को भगा देना है, तो तुम इस कार को लॉस कर जाओगे, लेकिन जब रिटर्न टू सिटी करोगे तो तुम उस कार को जीत जाओगे। अब तुम सोच रहे हो कि ड्रैग रेस पे कभी कभी ही रियर कार आती है, लेकिन ऐसा नहीं है। अभी आप देखो आज ट्यूजडे है, 226 दिन हो रहे हैं अब देखना, और आज देखो गाइस 227 दिन हुए हैं और यहाँ पर देखो आज भी निसान GTR आई है। तो आपको सबसे ज्यादा फोकस करना है ड्रैग रेस पे। अगर आप रियर कार लेना चाहते हो तो आपको आपकी जो फोकस है वो ड्रैग रेस पे होनी चाहिए, तभी आप रियर कार ले पाओगे। तो अगर आपके पास कोई रियर कार नहीं है तो आपकी फोकस होनी चाहिए ऑक्शन पे, हर ऑक्शन पे जाओ, वहां पर कभी ना कभी तो आपको एक रियर कार मिल जाएगी। नंबर 3, अगर तुम अपनी कार को डबल प्राइस में सेल करना चाहते हो तो उसके लिए तुम्हें क्या करना होगा, आज वो बताते हैं। हाँ, तो यहाँ पर है एक फरारी, ठीक है, तो मैं इसको सेल करके आपको दिखाता हूँ। इसकी जो प्राइस है भाई 274,000 में मैंने इसको खरीदा था और इसमें मैंने ज्यादा कुछ पैसे भी नहीं लगाए हैं, ठीक है। तो इसके लिए तुम्हें क्या करना होगा, यहाँ पर इसका जो प्राइस है डबल से भी ज्यादा रखना होगा, ठीक है, डबल से 1-2 लाख ज्यादा रखो। तो मैं इसका प्राइस रख देता हूँ $820,000, ठीक है। अब आ जाओ पुट एंड सेल करते हैं, और अभी मैं आपको इस गाड़ी को डबल प्राइस में सेल करके दिखाता हूँ। तो चलो गाइस यहाँ पर कस्टमर भी आ गई है, अब आपको दिखाते हैं कि इसको डबल प्राइस में कैसे सेल करना है। और ये अपने को दे रही है 4,39,000, ठीक है। तो आपको क्या करना है, किसी भी कार, कोई भी अगर इतनी महंगी कार है तो उससे आपको क्या करना है, 1,00,000 रुपए बार्गेन करवाना है, ठीक है, फर्स्ट 1,00,000। अगर महंगी कार है तो आप देख लो कितना करना आपको, लेकिन अगर इसके अकॉर्डिंग प्राइस है तो आपको 1,00,000 बार्गेन करवाना है। और ऐसा ना हो भाई आपने 10,000 का खरीदा आप उससे 1,00,000 बार्गेन करवा रहे हो, तो ऐसा नहीं है। तो यहाँ पर मैं इसको ऑफर देता हूँ 5,50,000 का ऑफर, ठीक है, 1,00,000 ऑलमोस्ट हो गया है। चलो यहाँ से मैं देता हूँ ऑफर, और ये एक्सेप्ट नहीं करेगी जहाँ तक मुझे लगता है, और ये देखो इसने एक्सेप्ट नहीं करा। तो अब आपको क्या करना है, 50,000 से 60,000 रुपये का इसको ज़्यादा ऑफर देना है, ठीक है, जितना ये दे रही है उससे ज़्यादा। तो चलो मैंने इसको दे दिया 5,00,000 का ऑफर और ये एक्सेप्ट कर लेगी, ये देखो कार लेके गई। तो इसी तरह से आपको अच्छे से बार्गेन करवाना है, मतलब यूँ समझ लो भाई कि आपको अपने कार के अकॉर्डिंग बार्गेन करवाना है, ऑफर देना है अपने कार के अकॉर्डिंग। ऐसा नहीं है कि भाई तुमने 10,000 का कार खरीदा और उसको बोल रहे हो 1,00,000 का ऑफर दे रहे हो उसको, तो ऐसा वो लोग नहीं लेंगे। जितना महंगा आपकी कार है उसके अकॉर्डिंग उसको ऑफर देना है। अगर 10,00,000 के पार कार है, अगर फरारी वगैरह बेच रहे हो, तो भाई मैं तो कहूँगा 1,000,000 दो उनको ऑफर, ठीक है, 1,000,000 ज़्यादा ऑफर दो, लेके जाएंगे आराम से। इस तरह से तुम हाई प्राइस में बार्गेन करके उनको कार सेल कर सकते हो। नंबर 4, ऑक्शन पे बार्गेन कैसे करें। अरे भाई रुक जाओ, ऑक्शन पे बार्गेन नहीं होता है, मैं आपको एक टिप देता हूँ जिससे तुम ऑक्शन पर आने वाली गाड़ियों को सस्ते में परचेस कर सकते हो। तो आज वो बताते हैं कैसे। तो देखो यहाँ पर एक गाड़ी आई हुई है ऑडी TT, ठीक है, ये सस्ती कार है,
तो यहाँ पर आपको सबसे पहले क्या करना हो, आपको यहाँ पर एक बार क्लिक कर देना होगा टाइम बचाने के लिए, ठीक है। तो आपको यहाँ पर लाके अपनी माउस को रखना है, मतलब क्रोसर को, और क्या करना है, जब आपको लगे कि इस कार पे कोई बेट नहीं लगाने वाला है तो आपको इस पर क्लिक कर देना है। अब जैसे यहाँ पर देखो कोई नहीं लगा रहा, मैंने क्लिक कर दिया, अब ये कार मेरी हो गई। मतलब ज़्यादा इसमें ज़्यादा प्राइस मैंने नहीं दिया, अगर मैंने यहाँ पर क्लिक करा होता इस वाले पे तो भाई ज़्यादा प्राइस हो जाता। अब यहाँ पर देखो ये थोड़ी महंगी कार आई है, तो अब आपको क्या करना है, आपको क्या करना है, यहाँ पर ही क्लिक करना है, ठीक है, किसी पे भी क्लिक नहीं करना है इस पे। बस आपको ध्यान देना है कि जैसे आपका टाइम आए कि हाँ आप कोई बेट नहीं लगा रहे तो आपको इस पे क्लिक कर देना है। देखो मैंने क्लिक कर दिया और ये कार मुझे मिल गई। अब ये तो सस्ती कार है, इसके लिए आपको उतना समझ में नहीं आया, लेकिन भाई जब महंगी कार आती है ना, लैम्बोर्गिनी वगैरह, तो भाई आपको 50,000 डॉलर लगाने होते हैं, तो उसमें उतना बेस्ट चला जाता है। तो इस तरह से परचेस करने पे बहुत कम प्राइस में ऑक्शन से गाड़ी ले सकते हो। नंबर 5, हाँ तो भाई अगर आप सोच रहे हो कि कोई भी कार परचेस करके उसे रिपेयर करवा के सेल करेंगे तो उसकी प्राइस ज़्यादा मिलेगी, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर तुम कोई भी कार परचेस करते हो, उसको ला के अपने शोरूम पे सेल करते हो तो भी आपको उतना ही प्राइस मिलेगा, और अगर आप उसको रिपेयर करवा के पेंट करवा के सेल करते हो तो भी आपको उतना ही प्राइस मिलेगा, कुछ भी ज्यादा आपको नहीं मिलेगा। अगर आपका कार फुल ब्रोक डाउन है तो भी आपको उतना ही प्राइस मिलेगा। रिपेयर और पेंट करवाने में ज्यादा पैसे खर्च मत करो, उसको वैसे ही सेल कर दो, वो ठीक रहेगा, उसमें आपका टाइम भी बचेगा और पैसे भी। हाँ तो गाइस आ जाओ हम आपको बताते हैं बोनस टिप्स, कि मतलब तुम अपने शोरूम पे अनलिमिटेड कार को कैसे टू करवा सकते हो। उसके लिए तुम्हें क्या करना होगा, एक कार को लेना है और अपनी कार को ला के भाई यहाँ पर कुछ ऐसा खड़ी कर देना है, ध्यान से देखना, ठीक है, थोड़ा सा भी मिस्टेक करोगे तो भाई नहीं कर पाओगे। तो अपनी कार को यहाँ पर कुछ इस तरह से खड़ी कर देना है, और यहाँ से एक कार मैं और ले लेता हूँ, इसको भी तुम्हें ला के यहाँ पर खड़ी कर देना है। दो कार की ज़रूरत है बस, ठीक है, तो इन दोनों कार को यहाँ पर ला के खड़ी कर देना है कुछ इस तरह से। एक सेकेंड ना, थोड़ा सा आगे करना है, और रोड देख लो और कार देख लो, ठीक है, इतना ही फर्क आपको करना है। तो यहाँ पर कर देना है आपको इस पे, ठीक है, राइट, थोड़ा सा और पीछे मैं कर देता हूँ, यहाँ पे आपको इस तरह से दोनों कार को खड़ी कर देना है एकदम एग्जैक्ट, ठीक है। अब आपको मैं यहाँ पर टो करके दिखाता हूँ, ठीक है। जैसे कि यहाँ पर मेरे पास मज़दा RX-7 है, इसको हमने यहाँ पर कर दिया टो, ठीक है, अभी कोई दिक्कत ना, ऐसे रहने दो। और अब देखना यहाँ पर मैं इसको करता हूँ दूसरे वाले स्लॉट पे, ठीक है, और ये देखो अब हो गया हमारा काम खत्म। अब यहाँ पर मैं आपको दिखाता हूँ, इधर देखो दूसरा खाली है, इस पर मैंने कर दिया क्लिक, और ये देखो भाई दूसरा भी खाली है। भाई कभी भी तुम करो यार, कितना भी कार को टो करवाओ कभी भी फुल नहीं होगी। इसको मैंने दूसरे पे करा, ठीक है, अब हो गया भाई, अब हमारा तीनों खाली हो गया। अब यहाँ पर आज मैं दिखाता हूँ, कार ऐसी पड़ी है, कुछ नहीं, कोई दिक्कत नहीं, जैसा है वैसे ही रहने दो, तुम उसको टच भी मत करो। चलो यहाँ पर हम इसको दोबारा से करते हैं फर्स्ट वाले पे टो, ये देखो मैंने फर्स्ट पे टो कराया, लेकिन अभी भी टो जो अपना स्लॉट है ना फुल नहीं हुआ, ये देखो यहाँ पर फुल नहीं बता रहा है, खाली बता रहा है। ये देखो कितना भी तुम टो करवाओ भाई, तुम्हारा जो स्लॉट है ना भाई, वो कभी भी फुल नहीं होगा। अब यहाँ पर निसान GTR को करवा के दिखाते हैं, ये देखो यहाँ पर मैंने इसको करा और फिर भी ये फुल नहीं होगा। तो आ जाओ यहाँ से करते हैं भाई, इन सभी कार को करके दिखाते हैं, यहाँ से हम करते हैं इसको, किसी भी स्लॉट पे अगर करोगे ना तो भी फुल नहीं होगा। अगर मैं फर्स्ट वाले पे कर रहा हूँ, लेकिन तुम किसी भी स्लॉट पे करोगे तो फुल नहीं होगा। तो चलो गाइस इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं, अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक कर दो, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर दो, और कमेंट करके बताओ कि इनमें से कौन सा टिप्स आपको सबसे ज्यादा पसंद आया, और सेकंड चैनल सब्सक्राइब करना, डिस्क्रिप्शन में लिंक है। मिलते हैं गाइस अगले एक ब्रांड न्यू वीडियो में, गुड बाय।